नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, रक्षाबंधन का पावन पर्व आने वाला है, परंतु लोगों के मन में इस बार संशय बना हुआ है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाएं या फिर 31 अगस्त को। देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और पूर्णिमा तिथि इस बार 30 अगस्त की सुबह 10:49 से शुरू होगी और 31 अगस्त की सुबह 7:06 तक रहेगी। परंतु समस्या की बात यह है कि उसी दिन भद्राकाल भी रहने वाला है। भद्राकाल 10:59 से शुरू होगी और रात को 9:02 तक रहेगी। शास्त्रों में बताया गया है कि भद्राकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इससे आपको बहुत ही बड़े नुकसान हो सकते हैं। इसलिए आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि भद्राकाल के समय राखी ना बांधें। रात को 9:03 से रात को 11:13 तक बहुत ही शुभ समय रहने वाला है। 30 अगस्त की रात्रि में आप इसी समय राखी मना सकते हैं और भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं। इस समय आप राखी मनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। सबसे पहले आपको गणेश जी को राखी अर्पित करनी चाहिए, इससे बुरे दोषों का शमन होगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। राखी बांधते समय एक बात का ध्यान रखिए कि काले रंग के कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा इससे भी नुकसान हो सकता है। और दर्शकों, भाई का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और बहन का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। जिन बहनों के भाई उनसे दूर रहते हैं तो उन्हें श्री कृष्ण जी को राखी बांधनी चाहिए, इससे श्री कृष्ण उनके हमेशा भाई के रूप में रक्षा करेंगे। तो दर्शकों, आपको 30 अगस्त की रात्रि में ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। 30 अगस्त की रात्रि में 9:03 से 11:13 का समय बहुत ही शुभ रहने वाला है, इस समय आप राखी बांध सकते हैं। अन्यथा 31 अगस्त की सुबह 7:06 से पहले आपको राखी बांधनी चाहिए। इन दोनों समय में आप रक्षाबंधन मना सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।